हमारे साथ वो व्यवहार हो रहा है और तब जाकर के सच्चाई को उभारना ये हमारा दायित्व तो बन जाता है। अगर यही कारनामे चलते रहे, क्या गुजरात की अदालतों का ताले लगा दिए जाए, क्या गुजरात की सभी लॉ कॉलेजों बंद कर दी जाए, क्या गुजरात की सारी लॉ यूनिवर्सिटी को ताले लगा दिए जाए, क्या गुजरात के सभी वकीलों को रोजी रोटी खोजने के लिए रास्ते पर आना पड़े, क्या गुजरात के वकीलों को बेरोजगार कर देना है? भाइयों बहनों, मामला बड़ा गंभीर है और सीबीआई खुद को अखबारों के सामने आकर के बोलने की हिम्मत नहीं रखती है, जैसे अखबार वाले उनको स्टेनोग्राफर हो गए जैसे पीछे से लिखवा दिए। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे नौजवान मित्रों, क्या मुझे गुजरात के लिए लड़ना चाहिए? अरे पूरी ताकत से बताओ दोस्तों, क्या मुझे गुजरात के लिए लड़ना चाहिए? क्या गुजरात की विकास यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए? क्या गुजरात की शांति यात्रा को बरकरार रखना चाहिए? क्या गुजरात की प्रगति के लिए जी जान से जुटना चाहिए? क्या गुजरात की शांति के लिए जुटना चाहिए? क्या ये झूठ और आरोपों से डर के बिना लड़ाई के मैदान में उतरना चाहिए? भाइयों बहनों, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए तो मैं पब्लिक लाइफ में आया। मित्र, पर्यावरण को खराब किया जा रहा है दिल्ली से, सार्वजनिक जीवन के पर्यावरण को खराब किया जा रहा है, शांति और भाईचारे के पर्यावरण को खराब किया जा रहा है, झूठ के भरोसे हमारी पुरानी न्यायपालिका पर सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है। भाइयों बहनों, मैंने अपने लिए बहुत अपमान सहे हैं, लेकिन न्यायपालिका की व्यवस्था का अपमान मैं नहीं सह सकता हूं दोस्तों। गुजरात की अदालतों का अपमान हम नहीं सह सकते, और इसलिए मैं आज इस पर्यावरण की रक्षा में, इस पर्यावरण की रक्षा के लिए भी मेरे नौजवान मित्रों का साथ सहयोग चाहता हूं। भाइयों बहनों, चुनाव में राजनीति चलती है, एक दल दूसरे देशों के दल को पराजित करे बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन दल हित इतना ऊपर नहीं होना चाहिए कि जहां देश हित ही बर्बाद हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली की सल्तनत को सवाल, मेरा नौजवान आप भी पूछिए। आपको मालूम होगा गुजरात के अंदर इशरत जहान एक घटना घटी थी, उस इशरत जहान के संबंध में स्वयं भारत सरकार ने उसका टेररिस्ट होने की बात पहले कही थी, बाद में भारत सरकार मुंह पर गई। लेकिन जब अब हेडली ने कह दिया कि वो तो हमारी आतंकवादी थी, तो कांग्रेस के मुंह पर ताले लग गए, ताले लग गए। मैं सीबीआई को पूछना चाहता हूं, इशरत जहान की घटना के एक महीना के बाद मणिपुर में मनोरमा देवी की घटना घटी थी, मणिपुर के अंदर एक मनोरमा देवी करके महिला के घर में पुलिस के जवान घुस गए, उसको उठा के ले गए, आरोप है कि उस पर बलात्कार हुआ, आरोप है कि उसको मार दिया गया, बाद में उसको आतंकवादियों के साथ मिली हुई थी इसलिए उसको आतंकवादी करार करके उसका एनकाउंटर की चर्चा हुई और सीबीआई को जांच दी। वो मामला मणिपुर में इतना गंभीर था, आज भी हमारे देश के अंदर कोई मां बहन बाहर निकलती है और अपना पल्लू भी इधर उधर हो जाए तो अपनी साड़ी को ठीक कर लेती है, लेकिन मणिपुर की माताओं बहनों का गुस्सा इतना जबरदस्त था, हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। मणिपुर के अंदर 200 से ज्यादा महिलाएं संपूर्ण रूप से नग्न होकर के मार्च निकाला, सीबीआई और सरकार के और दिल्ली की सरकार के खिलाफ निकाला मनोरमा देवी को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन आज इस तारीख तक
सीबीआई ने कुछ नहीं किया, न जांच की, न अरेस्ट किया, कुछ नहीं किया। इस तरह जहान के लिए उछल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मनोरमा देवी का गुनाह क्या? क्या हम इसलिए कि मनोरमा देवी हिंदुस्तान को प्रेम करती थी और इसरत को लेकर के नाच रहे हो? इसरत इसलिए कि इसरत पाकिस्तान को प्रेम करती थी? क्या वोट बैंक की राजनीति इतने नीचे जाती है? पाकिस्तान को प्रेम करने वाली एक व्यक्ति के लिए पूरे गुजरात को तबाह करने पर तुले हुए हो और हिंदुस्तान को प्रेम करने वाली मनोरमा देवी मणिपुर के अंदर उसको न्याय दिलाने के लिए दिल्ली की सत्ता के पास फुर्सत तक नहीं? और तब जाके दोस्तों मैं कहता हूं, गुजरात के साथ अन्याय की परंपरा नहीं चलेगी। और कुछ लोगों को लगता था कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो मोदी डर जाएगा। हम डर करके कहां जाएंगे भाई? मेरे पास तो कोई एड्रेस ही नहीं है। मेरे दिल्ली के बादशाह, ये वोट बैंक की राजनीति का अंधापन देशभक्तों को तबाह न कर दे, देशद्रोहियों को ताकत न दे, इतना जरा संयम बरतें तभी तो देश का भला होगा। मेरे नौजवान दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं यूनिवर्सिटी का अहमदाबाद आभारी हूं कि पाकिस्तान को आज पौधे लगाकर के पराजित करने के काम में आप नौजवान जुटे हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है।